ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला सभी पिता और माता का धर्म है ये अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। मतलब अगर किसी महिला का रेप होता है तो इसमें महिला की गलती तो है ही, साथ ही साथ उसके परिवार वालों द्वारा दिए गए परवरिश की भी गलती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आप ही के द्वारा चुने गए नेता सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका शर्मनाक बयान वाला ये वीडियो। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है ये अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। हाथरस पीड़िता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह के बयान देने से जरा भी नहीं कतराए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को हम क्यों चुनते हैं? क्या इन पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं है? खैर, मशहूर कवि कुमार विश्वास ने बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बड़े से बड़ा पार्टी भक्त इन विधायक जी की जहालत को जस्टिफाई करके बताए, कुतर्को और सोच की नीचता कहां तक है पता तो चले। यानी जिन बच्चियों के साथ दुष्कृत्य हुआ उनके परिवार वालों ने बच्चियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। यह बयान सुनकर आपके मन में पहला विचार क्या आया, सच बताना। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने कहा है, शर्मनाक। जिस राज्य से लगातार नाबालिग से रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उस राज्य से योगी के एमएलए कह रहे हैं माता पिता का धर्म है कि उन्हें अपनी जवान बेटियों को चलने, रहने और शालीन व्यवहार का तरीका सिखाना चाहिए, तभी रेप रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि बलिया जिले के बेरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का यह पहला बयान है जो चर्चा में है। इसके पहले भी उनके कई विवादित बयान हैं जो चर्चा में लंबे समय तक रहे हैं। इनका जो है आका कहां बैठता है? इनका आका किसी का इस्लाम में बैठता है, किसी का अरबिस्तान में बसता है, किसी का जो है सिद्धांत इटली में बसता है। मेरे भाई आप देखे होंगे लोकसभा में बैठने के लिए राहुल जी के पास समय नहीं है, लेकिन हफ्ता में दो दिन इटली जाने के लिए उनके पास समय जरूर है। हफ्ता में दो दिन इटली जाने का समय जरूर है। क्यों है? उसकी संस्कृति भारत भूमि को सलाम नहीं करती, उसकी संस्कृति इटली की भूमि को सलाम करती है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे विदेशी भारत में राजनीति करने वाले विदेशियों को सबक सिखाने के लिए मोदी का चरित्र का झंडा लहराओ और भारत का जय बोलो। 2018 के चुनाव के दौरान उनका सिर्फ यही बयान चर्चा में नहीं था, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में कहा था, हम तो मायावती जी को भी अच्छा बनाने का कोशिश की, लेकिन वो जो है नहीं रहे, फिर अपना फिर जो है भैंस अपना जहां जानी थी वहीं चली। हम मायावती को भी अच्छा बनाने का प्रयास किए। बलिया जिले के बेरिया से हमारे संस्कारी बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान राम भी अगर आ जाएं तो भी ये बलात्कार नहीं रुक सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बयान देने वाले बयान बहादुर सिर्फ एक ही पार्टी या एक ही दल से ताल्लुक रखते हैं। आप बस एक गूगल सर्च डालिए, सबका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल जाएगा। पर सवाल ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे ये नेता इतने असंवेदनशील और असंवैधानिक बयान आखिर कैसे देते हैं, वो भी संविधान की कसम खाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप। बिहार इलेक्शन और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए सूचनाओं के लिए।